अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम भाई। सर आज जो है ना 12 रबी अव्वल गुजरा है तो क्या कहना चाहेंगे? कसम खान साहब के जलसे में सिर्फ दो शेर कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम ये शेर कहना चाहते हैं, इमरान खान तुम हर बार चमकोगे एक नए सूरज की तरह। इमरान खान तुम हर बार चमकोगे एक नए सूरज की तरह, जलने वालों से कहो व तुज्जु मंतशा व तुजिल्लु मंतशा। तो जी नाज़रीन, अकबर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा अरशद नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं मानसेरा से। मानसेरा से आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज के 12 रबी अव्वल गुजरा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? 12 रबी अव्वल का तो महीना हमारा दीन इस्लाम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बन करा है इस महीने में, यानी कि जो आज का दिन था। तो बाकी खान साहब ने जो बात की वो तो सही है। अच्छा, खान साहब ने आज क्या मैसेज कन्वे किया और आप क्या उस पर किस हद तक अमल करने का इरादा? खान साहब को तो 100% अमल करना चाहिए, वो सही लीडर है हमारी कौम के लिए। अच्छा, आप जो है ना पक्के पीटीआई के सपोर्टर हैं? पक्के पीटीआई के सपोर्टर हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो खान साहब कॉल देने जा रहे हैं धरने की, तो क्या आप इसमें शमूलियत करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर शमूलियत करेंगे, और वो जिधर भी कहेगा उधर उसके साथ जाएगा। आपको पता है कि धरना जैसे ही शुरू होगा तो यहाँ पे आंसू गैस के शेल भी फेंके जाएंगे, पानी भी फेंका जाएगा, ऊपर से ठंड भी है, तो क्या हाल होगा? सब मुश्किलें हम सेव करेंगे इंशाल्लाह। किस तरीके से? वो जो भी करेंगे हुकूमत वाले उसको हम आगे से जवाब देंगे, और ये हुकूमत सही नहीं जो मौजूदा है। मौजूदा हुकूमत से क्या शिकवा है? इन्होंने तो महंगाई का इशू लेके आए थे, महंगाई ख़त्म करेंगे, वो तो इन्होंने डबल कर दी। तो अभी तो इनका दूसरा जो आया नया वज़ीर ख़जाना, तो उसने तो पेट्रोल ऑलरेडी सस्ता तो किया, मेरे हिसाब से ये फिर महंगा करेंगे। तो महंगाई ये तो लेके आए थे, महंगाई तो दिन ब दिन और महंगाई का तो दे रहे हैं कि महंगाई में कहो रैली भी निकाली थी इन्होंने, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। महंगाई तो पहले से डबल होगी, खान के दौर में तो चलो फिर भी थी, लेकिन उस दौर में कम थी। तो खान लीडर भी सही है वैसे। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।